आप देख रहे हैं अपना समाचार। दोस्तों कुछ कहना चाहता हूं, मेरे परम मित्र, मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं और आजमगढ़ से उम्मीदवार भी होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए भाई, अभिव्यक्त की आजादी है, हिंदुस्तान है, कोई कहीं भी जाए। और जहां तक मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में जानता हूं, जो एक ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, साधारण जीवन जीते हैं, इतना बड़े स्टार होने के बाद भी उनको पैसे का घमंड नहीं है। और मुझे पता है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर वो जीते तो जितनी ईमानदारी से उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए काम किया, अभिनय के लिए काम किया, गायकी के लिए काम किया, उससे ज्यादा मेहनत से वो अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। मैं तो उनके प्रचार में जी जान से हूं, और जो लोग उनके बारे में गलत सोच रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन फिर भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति को एक मौका तो मिलना चाहिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भोजपुरी सिनेमा से हैं या बाहर से हैं, कि ये भोजपुरी सिनेमा हो गया है कि बीजेपी हो गया है, भाइयों भोजपुरी सिनेमा में जो काम कर लिया वो नेता नहीं बन सकता क्या? उसमें नेता के गुण नहीं है क्या? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? समाज के प्रति उसका दायित्व तो नहीं है क्या? ऐसा मत सोचिए, निरहुआ दिनेश लाल यादव में वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, राजनीति के लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।